बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। आज की वीडियो में बच्चों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग के नियमों में व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने तीन नियम को कंप्लीट कर दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, और थर्ड था हमारा गुणित अनुपात का नियम। ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में पढ़ते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो दोस्तों, क्या है कि ये नियम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं, ये इम्पोर्टेंट ही है, और ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ नहीं है, आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, बस आपका कंसंट्रेशन चाहता हूं। आप बस कंसंट्रेशन बना के रखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं आप व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आप समझो। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो क्या होता है, जो ए और बी हैं, ये दोनों एक तीसरे व्यक्ति जो सी होता है उसके निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। ठीक है, अब ये निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं तो क्या होता है उसको आप समझो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, मान लेते हैं ए की जगह क्या है, एच है, और जो बी है उसकी जगह हमने मान लिया ओ है। ठीक है, अब ये H और O दोनों एक तीसरे तत्व C के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया कर रहा है। क्या बोला मैंने, जो H है और जो O है, ये दोनों तीसरे तत्व C से निश्चित द्रव्यमान, जो C है उसके निश्चित द्रव्यमान से क्रिया कर रहे हैं समान रूप से। ठीक है, अब देखो ये समान ही तो क्रिया कर रहा है, ये भी सी से क्रिया कर रहा है, ये भी सी से क्रिया कर रहा है, समान रूप से क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये C और H आपस में क्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH4। क्या प्राप्त होगा, CH4। ठीक है, और जब ये C और O आपस में क्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा CO2। क्या प्राप्त होगा, CO2, है ना। और जब ये H और O आपस में क्रिया करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा H2O। क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O। ठीक है, अभी ये प्राप्त हुए आप समझते जाओ। ठीक है, अभी तो कहानी में ट्विस्ट बाकी है। ठीक है, तो देखो इधर, लेकिन डरना नहीं आपको, है ना, बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, आप इसको कंसंट्रेशन होके समझो। ठीक है, ये बन गया। अब इधर देखो आप, यहाँ पर हम C और H आपस में जब क्रिया कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है CH4। क्या प्राप्त हो रहा है, CH4। अब इस CH4 में यदि C का और H का अनुपात निकालें तो वो कितना निकलेगा, आप देखो C है और ये H, इनका हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो C कितना है, एक, तो एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। अब H यहाँ पर कितने हैं, 4, तो यहाँ पर एक H का द्रव्यमान एक होता है, तो 4H का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आ रहा है वो है 12:4। अभी इसको देखते चलो। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, अब O ने C से क्रिया की तो क्या प्राप्त हुआ हमें, CO2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, CO2 प्राप्त हुआ। अब इसमें आप ये देखो कि C और जो O है उसका अनुपात निकालो, तो C कितना है, 1, तो यहाँ पर इसका अनुपात 12 हो जाएगा। यहाँ पर O कितने हैं, O कितने हैं, 2, तो एक O का कितना होता है, 16, तो 2 O का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो C तो समान है क्योंकि ये निश्चित मात्रा है इसकी, तो ये समान है। ठीक है, ये क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो है वो किसका है, H का, और ये किसका है, O का। ठीक है, तो अब यदि हम H और O में ये अनुपात है वो निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 4:32, 4:32। ठीक है, इसको काट देंगे तो 4 × 4 = 8 = 32, तो अनुपात हमारा कितना निकल के आया है, 1:8। यहाँ से अनुपात कितना निकल कर आया है, 1:8। बस आप ये देखना कि यहाँ से जब H और O ने C से क्रिया की तो H और O का अनुपात कितना है, 1:8 है। कितना है, 1:8 है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जब ये स्वयं क्रिया कर रहा है तो ये किस अनुपात में है,
स्वयं क्रिया कर रहा है तो ये किस अनुपात में है, ठीक है। तो देखते हैं, तो H और O जब H और O आपस में क्रिया किए तो क्या प्राप्त हुआ हमें, H2O प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ हमें, H2O प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसमें हम H और जो O है उसका अनुपात निकालें, तो देखो इधर H कितने हैं, यहाँ पर दो हैं, तो एक H का एक होता है तो दो H का कितना हो जाएगा, कितना, दो हो जाएगा। अब O का कितना होता है, 16 होता है, एक ही है ना, तो दो अनुपात कितना निकल कर आया है, 16। तो दो एकम दो और दो आठ 16, ठीक है। तो ये निकल के कितना आया है, 1:8, 1:8, ठीक है। तो यहां से हमने H और O का देखा तो 1:8 आया, और जब H ने किसी अन्य तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग किया तब भी उसका अनुपात कितना आया, 1:8 आया, ठीक है। तो मतलब इसका ये मतलब निकल के आया है कि जब दो तत्वों की अलग अलग मात्रा है, इसकी एक है और इसकी कितनी है, 16 है, तो जब दो तत्वों की अलग अलग मात्रा तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है या क्रिया करती है तो ये तत्व होते हैं, इन तत्वों का जो भार होता है उनका अनुपात हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है। कैसे, आपको प्रूव करके बताया, H और O ने जब इससे क्रिया की है तब भी इनके जो भार है, इनके द्रव्यमान है, उनका अनुपात 1:8 आया, और जब आपस में स्वयं क्रिया की तब भी इनका जो अनुपात निकल के आया है वो 1:8 आया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये तो यही आएगा या फिर इसका गुणा जाएगा, या फिर इसका क्या आएगा, गुणज आएगा। अब इसका गुणज का मतलब जैसे 1:8 आ गया, ठीक है, तो ये इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2:8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये इसका गुणज हो गया ना, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें 3 और 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, या फिर इसका क्या आएगा, गुणज आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, जब दो तत्व की अलग अलग मात्राएं तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग करती हैं या क्रिया करती हैं तो उन तत्वों की जो मात्राएं होती हैं, जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो समान रहता है, वो समान रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि जिसने सहयोग किया ये बना, लेकिन अनुपात H और O का 1:8 ही आया, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी 1:8 आया, आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम चले जाते हैं इस नियम पर, इस नियम की थ्योरी पर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, इस नियम का जो प्रतिपादन है सन 1792 में रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था, किसने, रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने क्या कहा था कि जब दो विभिन्न तत्व, मतलब दो अलग अलग तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात समान होता है, जैसे हमने आपको निकाल के बताया ना, समान, ये समान होता है या कोई पूर्ण गुणज होता है, या कोई पूर्ण गुणज होता है, जैसे हमने इसका गुणज करके आपको बताया था, उस टाइप का पूर्ण गुणज होता है। तो ये है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक मिनट, हाँ मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको ये नियम लिखना है, एग्जाम्पल आपको डालना है, और उसमें लिखना है क्या, जब दो तत्व H और O की अलग अलग मात्राएं तीसरे तत्व कार्बन की निश्चित मात्रा से सहयोग करती हैं तब, करती हैं तब, और फिर आपको क्या करना है ये समझा देना, ठीक है। या फिर इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना मैंने आपको समझाया इसलिए लिखा, इतना सब कुछ आपको नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको ये लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये एग्जाम में के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।